सैनिक संघ द्वारा मीडिया कर्मियों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम फैक्स न्यूज। आज दिनांक 9 जुलाई को सैनिक संघ बक्सर के द्वारा बक्सर के सभी मीडिया के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। संघ की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सूबेदार हरेंद्र तिवारी और मन संचालन जिला उपाध्यक्ष सूबेदार विद्यासागर चौबे ने की। जिला के हर क्षेत्र से लगभग 250 पूर्व सैनिक एवं वीर नारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संघ के निदेशक डॉक्टर मेजर पीके पांडे ने बताया कि सैनिक संघ बक्सर के लिए गौरव की बात है। आज भारत के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सम्मानित करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। सैनिक संघ बक्सर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वही जिला उपाध्यक्ष सूबेदार विद्यासागर चौबे ने बताया कि सैनिक संघ बक्सर की पवित्र पावन धरती से भारत सरकार के आग्रह करता है कि हमारे देश की मीडिया जो दिन रात अपने जान की बाजी लगाकर जनता की आवाज को धरातल पर हर स्तर से पहुंचाती है, उसे जीवन सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार ध्यान दे और उनके लिए स्पेशल जीवन बीमा के रूप में कम से कम 50 लाख रुपया घोषित करें। सैनिक संघ बक्सर ने पीसीडीए के प्रधान नियंत्रक और सभी कार्यरत पदाधिकारियों की काफी सराहना की, जिनकी वजह से सैनिक संघ बक्सर ही नहीं भारत के हर कोने के सैनिकों एवं वीर नारियों ने बिल्कुल निशुल्क और निस्वार्थ करोड़ रुपया दिला चुका है। मीडिया के समक्ष जब पीसीडीए के अधिकारियों की सराहना होने लगी तो समारोह में उपस्थित सैनिकों ने पीसीडीए प्रधान नियंत्रण जिंदाबाद और पीसीडीए के सभी अधिकारी जिंदाबाद के नारों से सारा वातावरण गुंजमान कर दिया गया। सफल रहा और हमारे सारे जो मीडिया कर्मी सभी लोग लगभग में आए और उन्होंने अपना सम्मान प्रकट किया। हमारे समाज में जो लोगों को जागरूक करने का काम है हमारी मीडिया करती है और इसके लिए आप लोग दिन रात परिश्रम करते हो। पहाड़ों से लेकर बर्फ से लेकर पानी बाढ़ तूफान हर जगह जहाँ भी गए आप लोग कवर करते हो और लोगों को जागरूक करते हो, स्थिति के बारे में बताते हैं। इसके लिए समाज के जितने संगठन हैं उनको आपके लिए प्रोग्राम ऐसा करना चाहिए और आप लोगों को सम्मानित करना चाहिए। उसमें हमारे सैनिक संघ ने छोटी पहल की है और इस पहल को करके हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत जगह हमारे सैनिक संघ बक्सर को सम्मानित करने के लोगों ने आमंत्रित करते थे, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात आई कि मीडिया जो भारत का चौथा स्तंभ है उनको सम्मानित करने के लिए कोई भी संदेश हमें देखने को नहीं मिलता था। इसलिए उस कार्य के लिए हमने अपने संघ के निदेशक मेजर पीके पांडे साहब से आग्रह करके पिछले साल से हमने ये अभियान छेड़ा है कि हम मीडिया के सभी साथियों को एक मंच पर बुला करके और उनको सम्मानित करें। इसके साथ साथ मैं जितना आज सैनिक संघ बक्सर अपने सुर्खियों में छाया है उसका एक ही कारण है कि प्रयास हमारा और मदद पीसीडीए का, पीसीडीए के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको मैं सैनिक संघ बक्सर की तरफ से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज करोड़ों रुपया दे करके और हमारे सैनिक संघ बक्सर ही नहीं भारत के सैनिकों के चेहरे पर खुशी। तो मैं क्या कहूँ, जिला सैनिक संघ ये संघ नहीं है सर, हकीकत में नगीना है, खरीद लेगा वही जो कि मतदान होगा। ये जिला सैनिक संघ ने सर पता नहीं किस तरह से मुझे ये पेंशन दिला दिया, जबकि मेरे लिए तो ये अचंभा लगता है सर। अच्छा, इसके पहले आप क्या करते थे सर? इसके पहले मैं गाड़ियों में घूम के सबके सामने हाथ फैला के भीख मांगता था सर। अब भरोसा है कि मिलेगा? भरोसा सर मुझे पूरा यकीन है, मेरे हाथ में ये पीपीओ है सर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर मेरे मिल चुका है और बैंक को नोटिस मिल चुका है कि इस बच्चे को जल्द से जल्द पेंशन दिया जाए। तो मुझे नहीं है सर, पूरा यकीन है कि मेरा काम हो चुका है। सैनिक संघ का आभार व्यक्त करेंगे आप, आपके ये लड़ाई लड़ी सर जी। सैनिक संघ बक्सर का मैं क्या मिसाल दूँ कि वो घूमने एक बेटी